नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपीज़। और आज मैं आपसे फिर से नई रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज की मेरी रेसिपी है अरवी के पत्ते की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स, चलिए बनाते हैं अरवी के पत्ते की रेसिपी, बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी। फ्रेंड्स, रेसिपी देखने से पहले प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अपनी हर रेसिपी आपसे शेयर कर सकती हूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। यहाँ मैंने 1.5 कटोरी बेसन लिया है। डेढ़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या आप जितना तीखा खाते हैं आप उतना ले सकते हैं। 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, चुटकी भर हींग, अमचूर पाउडर 1 चम्मच। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ज़रूरत के हिसाब से हम पानी डाल के अच्छा बैटर बना लेंगे। हमें थिक बैटर बनाना है, ज़्यादा पतला बैटर हमें नहीं बनाना है। ये देखिए, इतना गाढ़ा हमारा बैटर होना चाहिए बेसन का। ये देखिए, इतना स्मूथ हमें कर लेना है बेसन को। फ्रेंड्स, ये देखिए अरवी के पत्ते को मैंने साफ़ पानी से धुल दिया है। अब हम इसकी डंडियाँ कट करके अलग कर देंगे। ये इसकी डंठल हमें अलग करनी है। फ्रेंड्स, चलिए पत्ते के जो डंठल है हम उसे कट करके अलग कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बेसन की लेयर लगाना शुरू करते हैं। हमें पत्ते के अपोजिट साइड में ही बेसन लगाना है, जिससे रोल अच्छा बनता है। और बेसन की आप पतली ही लेयर लगाएं, ज़्यादा मोटी लेयर हमें नहीं लगानी है। और फ्रेंड्स, आप एक चीज़ ध्यान दें, बेसन में आप अमचूर की मात्रा ज़्यादा रखें, जिससे पत्ते की, जो अरवी के पत्ते में हल्की खुजलाहट होती है वो खट्टे से चली जाती है, वो खुजलाहट नहीं होती खाने से। इसलिए आप अमचूर या नींबू का रस ज़रूर डालें। चलिए अब ये देखिए, पत्ते को अब ऐसे रोल करना है हमें। साइड साइड में बेसन लगा देना है। अब इसके रोल करते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है और ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी लगती है जब बन जाती है तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए हमारा रोल, ऐसे ही हमें सारे रोल बनाने हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बार और बताऊंगी, क्योंकि हम छोटे और बड़े दोनों पत्ते लाते हैं। जब मार्केट से पत्ते लाते हैं तो जो छोटे पत्ते होते हैं हम उसे 2 या 3 इकट्ठा लेयर बना सकते हैं रोल अरवी के पत्ते की। तो आप छोटी जो पत्ते होते हैं उसे 2-3 भी एक साथ बना सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसमें दूसरी पत्ती भी लगा दूंगी। बेसन की हमें लेयर कम ही लगानी है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है। ये देखिए, अब तीसरा पत्ता भी हम ऐड कर देंगे। तो छोटे पत्ते हमें ऐसे बनाने हैं, और अगर बड़ा पत्ता है तो वो सिंगल ही रोल अच्छा बन जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूसरा रोल भी रेडी हो गया छोटे पत्ते का। तो ऐसे ही सारे रोल बनाना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे रोल रेडी कर लिए हैं बनाकर। तो चलिए अब इसे स्टीम करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक कढ़ाई ली है, उस पर आप 2 गिलास पानी डाल देंगे। मैं पत्तों को कढ़ाई में स्टीम करने वाली हूँ, आपको कुकर में करना है तो आप कुकर में भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक बर्तन में ऑयल लगा दिया है ताकि पत्ते चिपके नहीं और अच्छे से कुक हो जाएं। ये देखिए, पत्ते हमारे रेडी हो गए हैं स्टीम होने के लिए। तो चलिए पत्तों को रख देते हैं स्टैंड के ऊपर। फ्रेंड्स, मैं कढ़ाई का यूज़ कर रही हूँ स्टीम करने के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब ढक्कन लगा देते हैं और 10 से 15 मिनट तक हम इसे कुक होने देंगे ताकि पत्ते अच्छे से स्टीम हो जाएं, भाप से अच्छे पक जाएं। 15 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पत्ते कुक हुए हैं या नहीं। ये देखिए, ठोस हो गया है, यानी कि बेसन हमारा अच्छे से पक गया है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। सारे पत्तों को हमें ध्यान से निकालना है, सारे रोल को। फ्रेंड्स, हमारे जो कुछ पत्ते बच गए हैं, तो अब हम इसी, देखिए ये पत्ते हमारे बच गए थे, तो हम इसी डब्बे में फिर से उसे रख के कुक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पानी कम हो गया है, तो थोड़ा आधा ग्लास पानी हमें थोड़ा सा और डालना है और ढक्कन लगा के इन्हें कुक होने देना है 10-15 मिनट तक। फ्रेंड्स, ये देखिए रोल बनकर रेडी हो गए हैं, मगर हमें इन्हें अभी टेस्ट नहीं करना है, अभी नहीं खाना है, वरना हमारे गले में हल्की खुजलाहट होने लगती है। तो अभी इन्हें हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है और फिर इसे सैलो फ्राई करना है, या आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए, ऐसे हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ये देखिए, बहुत ही सिंपल है, ये छोटे छोटे रोल हमारे रेडी हो गए हैं। ऐसे मैं सारे रोल के पीसेस कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पीसेस कट कर लिए हैं, तो चलिए अभी इन्हें हम सेलो फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं, ऐसे ही हमें कट कर लेना है छोटे छोटे स्लाइस में। चलिए, कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है, तो हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। चलिए अब दूसरी साइड पलट देते हैं और दूसरे साइड भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुके हैं ये फ्राई होकर हमारे अरवी के पत्ते के रोल। तो सारे पत्तों को हमें निकाल लेना है। ये देखिए, सारे मैंने निकाल लिए हैं, और जो बचे हुए हैं हम उन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए, ये भी हमारे रोल फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी निकाल लेते हैं हम। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स, आप इन्हें खा सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ये फ्राई हो चुके हैं, इसलिए वो गले में हमें खुजलाहट नहीं लगेगी, मगर बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई में थोड़ा और ऑयल डाल दिया है और अब हम ग्रेवी बनाएंगे। मैंने थोड़ा जीरा डाल दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 3 प्याज ली है ग्रेवी के लिए, आप चाहें तो आप प्यूरी बनाकर भी डाल सकते हैं। प्याज को हमें हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। ये देखिए, प्याज हमारी हल्की भुन गई है। अब मैं किसा हुआ लहसुन अदरक का डालूंगी, किसा हुआ पेस्ट नहीं डालूंगी, क्योंकि पेस्ट चिपकता है बहुत तले पे, इसलिए मैंने किसा हुआ लहसुन अदरक यूज़ किया है, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। चलिए मसाले ऐड कर लेते हैं। हल्दी पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर,
धनिया पाउडर मैंने 1.5 चम्मच लिया है। अच्छे से मसालों को हम भून लेंगे। फ्रेंड्स अब टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और उसे भी अच्छे से कुक होने देंगे। चलिए अब पानी डाल देते हैं। हमें पानी ज़्यादा डालना है क्योंकि जब हम पत्ते ऐड करेंगे तो वो पत्ते थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ग्रेवी सूख जाती है, इसलिए पहले से आप थोड़ा ज़्यादा पानी डालें जितनी आपको ग्रेवी रखनी है। ये देखिए मैं थोड़ा सा और पानी डाल देती हूँ। चलिए अब ग्रेवी के हिसाब से हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ क्योंकि पत्तों में भी नमक है, तो आप ग्रेवी में अपने हिसाब से नमक डालें। अच्छे से मिक्स कर लें और थोड़ा सा गाढ़ा होने दें ग्रेवी को। अब ढक्कन लगा देते हैं, 5 मिनट ग्रेवी को कुक होने देते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारी ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो गई है। ये देखिए ग्रेवी हमारी अच्छी परफेक्ट बन गई है। अच्छे से मिक्स कर लें, मुझे इतनी ही ग्रेवी रखनी है गाढ़ी। चलिए अब अरवी के पत्ते हम डाल देते हैं ग्रेवी में। फ्रेंड्स सारे पत्ते डाल दें और गैस को बंद कर दें। हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है वरना पत्ते ओवर कुक हो जाएंगे। तो हमारी सब्जी रेडी हो गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स रेडी हो गई हमारी अरवी के पत्ते की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी दिख रही है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ लाती रहती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरे फेसबुक पेज पर भी विज़िट करिएगा, मैं वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहती हूँ। फ्रेंड्स मेरी और रेसिपी की लिंक देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज़रूर जाएँ और मेरी फेसबुक की लिंक भी आपको वहीं मिल जाएगी, ताकि आप मेरी सारी रेसिपीज़ देख सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।